हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेनसडे, हाँ आज है वेनसडे और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। मैं आज सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई बिकॉज ऑफ, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट किया जाए, कल बहुत काम हो गए थे, बच्चों का खाना वाना था घर पे तो थोड़े बहुत काम हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो रेस्ट लिया जाए। कुछ ब्लॉग्स थे जो मुझे एडिट करने थे तो मैंने वो एडिट किए हैं, कुछ पब्लिश किए हैं, कुछ पब्लिश करने के बाकी हैं तो वो करूँगी मैं आज, कल करूँगी और आज शाम को आएंगे लाइव। तो अभी जा रही हूँ मैं बर्थडे पार्टी में, वहाँ से आने के बाद में फिर लाइव आएंगे और आज खाना भी बाहर खाने जाएंगे, जो माता रानी है उनके यहाँ पे महाप्रसाद मिलने वाला है तो हम जो है वहीं पर जाएंगे महाप्रसाद करने सब लोग। तो मेरे हस्बैंड जो है वो भी रेडी हो गए हैं यहाँ पे, मेरी बेटी भी रेडी हो गई है, सैंडल पहन रही है, तो चलिए चलते हैं। अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत हो सका तो शूटिंग करेंगे, नहीं तो फिर वापस घर पे आने के बाद में मैं मिलूंगी। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे गिफ्ट लेने, मे भी मैं सोच रही हूँ शूज ले लेती हूँ उसके लिए, बहुत दिन से मैं चाह रही थी उसके लिए शूज लेना लेकिन मैं ले नहीं पाई, तो अभी बर्थडे है इस ओकेजन पे तो भी शूज लेके हो जाएगी, तो देखती हूँ या तो शूज लेती हूँ अगर मुझे पसंद आए तो, या तो फिर एक आधी डॉल ले लूंगी क्योंकि बेबी गर्ल है वो, तो डॉल या तो फिर शूज, इन दोनों में से कुछ एक ले लूंगी मैं, तो वो लेंगे और उसके बाद में बर्थडे पार्टी में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं खाना खाने, मेरी क्यूट सी बेटी, हाय 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 मम्मी, हाय ना हाय। तो हम लोग यहाँ खाना खाने आ गए हैं, यहाँ पे एकदम ट्रेडिशनल पंगत स्टाइल में खाना हो रहा है, आप देख सकते हो पंगत बैठ रही है, यहाँ पे भी है लेडीज जेंट्स, लेडीज अलग है जेंट्स अलग है और कुछ लोग फैमिली के साथ बैठे हैं, तो इस तरह यहाँ पे पूरी तरह से पंगत है। जब ये लोग उठ जाएंगे तब हम लोग बैठने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तभी हम खाएंगे थोड़ी देर में खाना, उसके बाद में फिर मैं घर जाने के बाद मिलूंगी। सुबह हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, काफी टाइम पहले ही आ गए थे हम लोग, अभी 11:30 बज गए हैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड वहाँ सोए हैं और हम लोग काफ़ी टाइम पहले आ गए थे, उसके बाद में मैं थोड़ा देर लाइव आई थी, उसके बाद में कुछ वीडियोस एडिट कर रही थी, बस वही चल रहा है अभी मेरा, वीडियोस एडिट करते जाओ और अपलोड करते जाओ, मेरी इच्छा है कि जल्द से जल्द मेरा जो चैनल है वो सक्सेस हो जाए बहुत, ओ शिट सॉरी, तो बस वही एक लगी पड़ी है मेरे दिल में कि ये सब हो जाए सबकी, बस तो ब्लॉग तो ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाई, बर्थडे में गए वहाँ पर शूटिंग नहीं कर पाए बिकॉज अपनी बर्थडे में केक कटिंग हो चुका था, उसके बाद में मंदिर में मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, आज मैंने इतने सारे वहाँ पे कम से कम 200 या 100 पता नहीं बट 50 से ऊपर लोग थे जिनके सामने मैंने शूटिंग की, ब्लॉगिंग की, इनफैक्ट एक्चुअली मैंने ब्लॉगिंग की थोड़ा बहुत कुछ, मैंने मतलब बात भी किया, मतलब वही जो सिचुएशन थी उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की है, तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे कि मैंने फर्स्ट टाइम कुछ करने की कोशिश की, तो फर्स्ट टाइम कुछ करने की कोशिश की तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो अब इस ब्लॉग को सोच में एंड कर दूँ, अब मैं थोड़ा चेंजेज करूँगी, अपना मेकअप हटाऊँगी और चेंज ऑलरेडी कर दिया है, बस मेकअप हटाना बाकी है और सोने जाऊँगी, देखती हूँ एक आधी ब्लॉग इस ब्लॉग को एडिट करके रख दूँ अभी ही और बाद में सोने जाएंगे, तो ऐसे ही करते करते रोज 1-2 बज जाते हैं, सोते तक ब्लॉग एडिट करो फिर उसे अपलोड करके रख दो, मतलब सब कुछ शेड्यूल करके रहा तो सुबह जल्दी अपलोड करने में अच्छा हो जाता है इस वजह से, तो ऐसे सब करते करते 1-1.5-2 बज जाते हैं, कल भी 1:30 बजे सोई थी, परसों तो मैं 2:30 बजे सोई थी, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो चलिए जिन्होंने कमेंट्स किए थे उनके नाम ले लेते हैं और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं, तो सबसे पहले जो नाम था वो था प्रणीता महादी, उसके बाद में था डीएम
उसके बाद में था सरोजनी हेमराव, उसके बाद में था मुंबई का फैमिली। तो मुंबई का फैमिली जो है वो कह रहे थे मुझे उनका ब्लॉग देखने के लिए, चैनल देखने के लिए, तो मैं जरूर देखूंगी। तो उसके बाद में है संजीवनी सरवादे, सरवादे की सरवाड़े क्या है आपका सरनेम। उसके बाद में बसरत अली जी, और उसके बाद में सुमायरा खान जी, उसके बाद में है मनीषा वाघमारे, उसके बाद में है बिंजू गजबीये, उसके बाद में है ब्लॉग विद प्रियंका पटकर, और उसके बाद में है कैलाश कन्वर। तो थैंक यू आप सब लोगों ने ब्लॉग देखा, कमेंट किया, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। तो मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।